नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, धन्यवाद। कुरबड़ा की मणिपुर सिटी में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। नीमकाथाना क्षेत्र के नीमकाथाना पंचायत कुरबड़ा की मणिपुर सिटी में 7 दिवसीय बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रेलवे सलाहकार व वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवीर सिंह तंवर बुधोली रहे। रघुवीर सिंह तंवर ने इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ भी पहले किया था। आयोजन समिति के सदस्य सुनील चंदेलिया ने बताया कि इस 7 दिवसीय टूर्नामेंट के क्षेत्र की 38 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्रीमाधोपुर व मणिपुर सिटी कुरबड़ा के बीच खेला गया, जिसमें मणिपुर सिटी कुरबड़ा की टीम विजेता रही। विजेता टीम को 31,000 रुपये व उपविजेता टीम को 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी भेंट की गई। मुख्य अतिथि रघुवीर सिंह तंवर ने कहा कि गांव व ढाणियों में आर्थिक संसाधनों के अभाव में दबी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने की जरूरत है। खेलों से युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। खेलकूद जीवन में अनेक उत्तम गुणों को विकास करता है। खेलों से शरीर चुस्त, फुर्तीला एवं बलिष्ठ होता है। रघुवीर सिंह तंवर ने कहा कि खेल में हार जीत का कोई मायने नहीं रखती, बल्कि हारने वाले को भी भविष्य में जीत की प्रेरणा मिलती है। हार जीत की परवाह किए बगैर खेलना चाहिए। खेल कूद के जरिए खिलाड़ियों में सामूहिक खेल कूद की भावना का विकास होता है। इस मौके पर बद्री प्रसाद जाट, सुनील जाट, मनोज चंदेलिया, राकेश सिराधना, दिलीप बगड़िया, विकास संदीप, लोकेश, मनोज गुजर, संदीप यादव, संतोष जांगिड़ आदि लोग मौजूद रहे और खिलाड़ी मौजूद रहे।